हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग न्यू चैनल बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप उनके अंदर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म कर सके, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको यहाँ पर जोर शोर से लगी हुई है, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा सके, आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है लेक्चर्स मिल सकें, आपको प्रॉपर नोट्स मिल सकें। इस काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, जब से आपका यहाँ पर कोर्स स्टार्ट हुआ है, पूरी मेहनत के साथ। सो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, अगर पढ़ने की बात करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर किस तरीके से हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बट यूजेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी यहाँ पर फ्रेश वाटर की क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो हमने कुछ लेक्चर्स यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं इससे रिलेटेड, और उसमें हमने देखा है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है फ्रेश वाटर की, वो बहुत कम है, ओके। और यहाँ पर सी वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, ओके। और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वॉट वाटर, ओके, जैसे कि वाटर साइकिल हमने जो है हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर मेनली कवर अप किया था, कि वाटर साइकिल क्या होती है, किस तरीके से वाटर यहाँ पर जो है साइकिल में एक मूव करता रहता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल कैसे होता है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी इन आर लास्ट लेक्चर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी टॉपिक आपसे कवर हो रहे हैं, अगर आप उनसे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर जाते ही आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वो क्लास 7th, द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा GPP और सैंपल मटेरियल जो है वो एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और उसके बाद अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, तो आप जा सकते हैं कहाँ, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, ओके। यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th, ओके, जिसके अंदर आपको जैसे ही वो आप चूज करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलने हैं। इसके अंदर आपके लिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और होमवर्क सबमिशन, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस, ये सारी चीज़ें आपको पूरी कॉम्पैक्ट एक पैकेज के अंदर सब कुछ मिलने वाला है, अगर आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, टू प्रिपेयर यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर यू फॉर योर ओलंपियाड एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेनी ज़रूरी है, इनको फॉलो करना ज़रूरी है मेनली, ठीक है। इनको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, सिंसियरली ऑनेस्टली आप यहाँ पर टेस्ट देते हैं, ओके, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर होमवर्क कंप्लीट करते हैं, लेक्चर प्रॉपर टाइम पे अटेंड करते हैं, उनसे नोट्स लेते हैं, ठीक है, और घर पे अपनी होमवर्क की यानी एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, देन यू कैन चूज द सेकेंड पैकेज, ओके। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में। अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AMLIVE, तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। सो जल्दी से बाय पैकेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर यू कैन बाय दिस थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। और इसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज,
okay, doubt, question, then you can call on these numbers, okay, regarding subscription, regarding telegram, कोई भी आपका कोई question है, doubt है, okay, तो वो आप इन numbers पे call करके पूछ सकते हैं, okay, तो समझ आया आपको किस तरीके से जो है subscription लेना है, फटाफट से आप subscription ले लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, और इसके बाद एक छोटा सा cardinal promise भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो हैं इस तरीके से यहाँ पर सिंसेयर बने रहें, स्मार्ट स्टूडेंट बने रहें, स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, बस थोड़ी सी सिंसेयरिटी की कमी है, ठीक है, थोड़ी सी सिंसेयर आपको रहना है, ताकि अगर आप सिंसेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसी तरीके से जो है सिंसेयर बने रहें, ऑनेस्ट बने रहें अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो उसे ही याद करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. तो जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड उन टॉपिक्स को, ठीक है, अपने मॉड्यूल में से रिवाइज करते रहना, क्योंकि टेस्ट आपके यहाँ पर वीक टू वीक जो है आते रहते हैं, उनमें जिस हिसाब से सिलेबस आता है, आपको यहाँ पर प्रीवियस जो भी कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है उसे रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, तो उसे भी साथ के साथ रिवाइज करते चले और पढ़ते चले, ठीक है, आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है यहाँ पर अनोमलस बिहेवियर पढ़ा था, किसका, वाटर का, ठीक है, फॉर्म्स पढ़ी थी वाटर की और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आज भी हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है डिस्कस करने वाले हैं, वो होंगी आपकी कौन सी, यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर, water needs for agriculture, depletion of water table, okay, water management and effect of scarcity, okay, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, देखिए important source of water, यहाँ पर water के important sources क्या हैं, we were choosing the pen, okay, now इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, रेनफॉल है, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं, डिफरेंट सोर्स हैं, जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, आइसकेप्स हैं, ओके, सो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, ओशन क्यों नहीं बोला, ओशन यहाँ पर उसके अंदर फ्रेश वाटर है ही नहीं, है ना, हमारे यूज़ करने लायक वाटर है ही नहीं, जो यूज़ करने लायक वाटर है वही है हमारे लिए क्या, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अराउंड जैसे कि 71% यहाँ पर क्या है, अर्थ पूरा वाटर से ही घिरा हुआ है ना, स्काई से जब हम इसका, स्काई से नहीं, सैटेलाइट से जब हम इसका पिक्चर लेते हैं, ठीक है, बाहर से अर्थ का, तो हमें ब्लू ब्लू नज़र आता है, कहीं भी आप पिक्चर देखेंगे अर्थ की तो वो क्या है, ब्लू कलर में ही ज़्यादा दिखाई जाती है, तो वो ब्लू कलर किसकी वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक बहुत अच्छा सोर्स है, किसका, वाटर का, ओके, ग्राउंड वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, इफ वी डिग अ होल नियर अ वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर है, उसके पास अगर हम क्या करते हैं, कोई होल करते, खड्डा करते, डिग करते, है ना, तो हमें वहां की सॉइल जो है वो कैसे दिखेगी, मॉइस्ट दिखेगी, थोड़ा उसके अंदर क्या होगा, नमी होगी, पानी होगा, गीली गीली सी लगेगी, है ना, तो The moisture of the soil indicate the presence of water underground. वो moisture हमें क्या बताता है, वो moisture हमें बताता है कि यहाँ कहीं आसपास क्या है, पानी present है, okay? आसपास क्या होगा, पानी होगा, इसी वजह से वो moisture जो है पूरी soil के अंदर आ रहा है, okay? Now, if we dig deeper and deeper, अगर हम उसमें और deep deep जो है dig करते हैं, खड्डा करते हैं, ठीक है, then we could reach a level, हम ऐसे level पे पहुंच सकते हैं where all the space, जो भी space रहेगा किसके अंदर, between the particles of soil and the gap between the rock is filled with water, ठीक है, the upper limit of this layer is called your water table, उसे हम क्या बोलते हैं, water table बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं भी आप कहीं भी water body के पास जो है गड्ढा करने लगे, ओके, खेतों में, है ना, फील्ड्स में यहाँ पर करते हैं, ओके, लोग वह क्या करते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल्स डालते हैं, वहाँ पर पहले खड्डा करते हैं, तो उन्हें खड्डा
करना पड़ता है। कभी तो बहुत जल्दी जो है वहाँ से पानी निकल जाता है, कहीं कहीं जगह पर पानी नहीं होता तो वो कितना भी वहाँ पर डिग करे वहाँ पर पानी नहीं निकलता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डिग करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के पास, सपोज रिवर के पास, आपने क्या किया यहाँ पर खड्डा किया, ठीक है, तो यहाँ पर यू विल सी दैट द सॉइल इज योर कंटेन सम काइंड ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपको फील होगा कि यहाँ पर आसपास क्या है, कहीं ना कहीं पानी प्रेजेंट। ठीक है, इफ़ यू डिग डीपर, आप उसमें और ज़्यादा डिग करने लगते हैं तो यू विल रीच एट द लेवल जहाँ पे गैप जो है वो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, किसके बीच में, रॉक और सॉइल के बीच में वो गैप जो है ख़त्म होता रहेगा। धीरे धीरे करके आप ऐसे लेवल पे पहुँच जाएंगे जहाँ से पानी निकलना जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपको वहाँ पर अच्छा खासा जो है वाटर दिख जाएगा। ठीक है, डिग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से सॉइल और वहाँ पे बीच में जो भी रॉक्स आ रही होती हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं, है ना, हटा देते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर पानी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इकट्ठा आपको दिखने लगेगा। तो जो उसकी अपर लिमिट होती है, अपर लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वाटर टेबल। भाई यहाँ से जो ये क्या है आपकी वाटर टेबल है, इसके नीचे आपको वाटर ही वाटर मिलेगा। ठीक है, इससे ऊपर वाटर नहीं मिलेगा, तो एक यहाँ पर क्या है, लिमिट है। ठीक है, उसके नीचे जाके ही हमें जो है पूरा पानी ही पानी मिल जाता है अच्छे से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट वाटर टेबल। क्या बोलते हैं उसे, हम उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। तो ग्राउंड वाटर यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, वाटर का। ठीक है, वी आर स्टडिंग इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स में से हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं वाटर की। ठीक है, अंडरस्टूड, ये समझ आया आपको किस तरीके से जो है वाटर टेबल बना। ओके, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी आप देखते हैं रिवर फ्लो होती है, तो रिवर के आसपास कुछ इस तरीके से आपको माउंटेन से देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलेगा, कहीं भी जो है माउंटेन्स एकदम ख़त्म हो रहे हैं, फिर आप उससे जो है नीचे देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रीम फ्लो होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, वो वाटर टेबल है। अगर आप यहाँ माउंटेन से डिग करने लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जा करके जहाँ भी वो वाटर टेबल स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ से फिर पानी निकलेगा। ठीक है, चलो इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो देखिए। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, यहां पर देखिए वाटर टेबल जो है वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, कहीं पर तो कुछ मीटर पे ही आपको वाटर मिल जाता है, कहीं पर आपको बहुत ज्यादा डिग करना पड़ता है तब जाकर के आपको वाटर मिलता है। तो यहां पर प्लेस टू प्लेस जो है ये वाटर टेबल क्या करती है, वेरी करती है एंड मे इवन चेंजेस एट अ गिवन प्लेस। नाउ द वाटर टेबल मे बी एट द डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी द सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड, है ना, कहीं पर ये वाटर टेबल तो कुछ मीटर पे ही आ जाती है और कहीं पर हमें जो है बहुत ज्यादा क्या करना होता है, डिग करना पड़ता है तब जाकर के ये हमें दिखती है। ओके, The water found below the water table, जो water हमें मिल रहा है below the water table, water table से नीचे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ground water बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ground water बोलते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, इसकी water table है, यहाँ पर क्या है, soil है, rocks है, ठीक है, और इसके नीचे जो भी यहाँ पर आपको पूरा, इसके नीचे क्या मिलेगा, water ही water मिलेगा, इसके नीचे क्या मिलने वाला है, water ही water मिलेगा। तो ये अपर लेयर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वाटर टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। ओके, समझ आया। तो यहां पर सोर्सेस क्या हैं ग्राउंड वाटर के, ग्राउंड वाटर में पानी कहां से आता है, रेनफॉल से आता है, है ना, या फिर आसपास कोई यहां पर बड़ा सोर्स हो उससे सिप होते हुए आता है। ठीक है, तो क्या क्या यहां पर सोर्सेस है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, इसे फटाफट से नोट कर लें। ओके, कर लिया, आगे बढ़े, चल सो ग्राउंड वाटर समझ आया, है ना, वाटर
टेबल से जो भी नीचे वाटर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के सोर्सेस यहां पर क्या क्या हैं। तो एक है यहां पर क्या, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर आ रहा है, किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर। ये इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए इनफिल्ट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, रेनफॉल जब हो रही है, ठीक है, तो वाटर जो है यहां पर ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है, कहीं गड्ढे हो रहे हो तो वहां पर भर जाता है पानी, ठीक है, कोई स्ट्रीम हो तो उसमें चला जाता है, ठीक है, तो आसपास सब जगह जो भी फील्ड है सबके अंदर जो है वाटर बरसता है, गिरता है, उसे हम नेचुरल फिनोमेना है, उसे अपन रोक नहीं सकते, है ना। पूरी फील्ड के ऊपर तो आप यहाँ पर अम्ब्रेला नहीं लगा सकते, ठीक है, कि आप जो है उसे यहाँ पर रोक सकें, लेकिन वो तो फिर भी जो है उसको बरसना है तो वो बरसेगा, ठीक है। तो रेन वाटर यहाँ पर बहुत अच्छा सोर्स है ना, एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड, ठीक है, सब जगह से यहाँ पर वाटर जो है क्या होता है, सीप होता है। वाटर क्या होता है, सीप होता है, यानी कि मान लीजिए हम ऐसे ऐसे समझें कि ये जो सॉइल है, ओके, जो भी लैंड है वो क्या करता है यहाँ पर, सक करता है किसको, वाटर को, है ना। यहाँ पर अंदर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं, है ना, अंदर लेते हैं स्ट्रॉ के हेल्प से, तो इसी तरीके से यहाँ पर सॉइल जो है वो क्या करती है, सक करती है, सीप करती है, और वाटर जो है धीरे धीरे सीप होता हुआ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सॉइल है, ओके, दिस फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स बिलो द ग्राउंड, यहाँ पर सारे ही एम्प्टी स्पेस और क्रैक्स ग्राउंड के अंदर वो सब किससे फिल हो जाते हैं, वाटर से फिल हो जाते हैं, किससे फिल हो जाते हैं, वाटर से, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ सिपिंग, द प्रोसेस ऑफ सिपिंग द वाटर इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये वाटर जो हुआ, पानी जो बरसा यहाँ से, ये पानी बरस के कहीं भी खड्डे में इकट्ठा हो गया, अब यहाँ पर थोड़े दिन बाद कल परसों आप देखेंगे तो पानी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे सिप होकर के कहाँ चला गया, अंदर ग्राउंड में चला गया, कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, ठीक है। तो इस सिपिंग ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड योर इनफिल्ट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ग्राउंड में ग्राउंड वाटर आपको पानी मिलता है, है ना, ग्राउंड में आपको पानी मिलता है, या फिर ग्राउंड वाटर कह सकते हैं रिचार्ज होता है थ्रू इनफिल्ट्रेशन, किसकी हेल्प से, इनफिल्ट्रेशन की हेल्प से, ओके। द ग्राउंड वाटर थस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। एट सम प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक एंड बिलो द वाटर टेबल, कहीं जगह पर वाटर जो है स्टोर्ड रहता है, किसके अंदर, यहाँ पर हार्ड रॉक्स के बीच में, ओके, यहाँ पर वाटर टेबल के बीच में, ठीक है। तो उसे उसे दैट इज नोन एज योर एक्वीफायर, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्वीफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वीफायर, एक्वीफर, ओके। सो एक्वीफर किसे बोलते हैं, जब ये ग्राउंड वाटर, जब ये ग्राउंड वाटर किसके बीच में हो, यहाँ पर रॉक्स और वाटर टेबल के बीच में यहाँ पर फिल्ड हो, भरा हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक्वीफर, ओके। दिस इज आल्सो योर सोर्स ऑफ वाटर, ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी सोर्स है, इनफिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है, क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ठीक है, समझ आया, ओके। So by this process, groundwater also recharges. Okay, understood? चलें आगे, समझ आया आपको, इनफिल्ट्रेशन है ना, कुछ मेन मेन यहाँ पर जो है लाइन्स है, आपको इन्हें क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है बावरीज, है ना, पहले के जमाने में ट्रेडिशनली जो है इन्हें यूज किया जाता था, इनके अंदर क्या होता था, वाटर इन एक्वीफर्स कैन यूजली बी पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वॉट, ट्यूब वेल्स और यहाँ पर हैंड पम्प्स की हेल्प से, है ना, एक्वीफर में जो भी वाटर होता था ट्यूब वेल्स लगा दो, ओके, अभी भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स की हेल्प से जो है बहुत सी जगहों पर विलेजेस में यूज़ किया जाता है मेनली, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पानी को पम्प कर लेते हैं,
ऊपर ले आते हैं, जो भी ग्राउंड वाटर होता है वहां पर उसे क्या कर लेते हैं, ऊपर सक कर लेते हैं, है ना, निकाल लेते हैं। सो वी हैव मेनी प्लेसेस इन इंडिया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं इंडिया के अंदर जहां पे वाटर स्टोरेज प्रैक्टिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ बावरीज। ठीक है, यहां पर वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज, है ना, इस तरीके से बनी होगी, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, ट्रेडिशनली आप कहीं घूमने गए हो, ओके, वहां पर इस तरीके से इन्हें जो है कुंड भी बोला जाता है ना। इनके अंदर क्या रहता था पहले, वाटर स्टोरेज जो है ये एक तरीके से टैंक माने जाते थे, है ना, रेन वाटर जो भी हुआ आसपास से वाटर आता था वो सिप होकर के इसके अंदर फिल हो जाता था, इनको आप वेल्स भी कह सकते हो, है ना, है ये वैसे बावरीज, ठीक है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुआ है इनमें, इनमें आप जा सकते हो, उतर सकते हो नीचे, ठीक है, तो पानी इनमें नीचे नीचे जो है स्टोर रहता था, रेन वाटर के टाइम पर, रेनफॉल के टाइम पर यहाँ पर जो है पानी पूरा पूरा भर जाता है, इसमें लेवल्स बना रखे हैं, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर नीचे उतरने का पूरा यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके अंदर रेन वाटर स्टोर्ड रहता था, ठीक है, और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर जो है लोग आते थे और इस वाटर को जो है यूज़ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपने जो है बावरीज देखी होगी बहुत सारी जगहों पे, बहुत फेमस भी हैं कुछ कुछ, ओके, तो ये क्या थी, वाटर स्टोरेज वाली जगह थी, ठीक है, ट्रेडिशनली इस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता था थ्रू फॉर स्टोरिंग द वाटर, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है, बावरीज वॉज ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर, ठीक है, बावरीज क्या थी, ये एक ट्रेडिशनल वे था जिसके अंदर क्या करते थे, वाटर हम कलेक्ट करते थे, ओके, वाटर क्या करते थे, वाटर हम कलेक्ट करते थे, अंडरस्टूड, समझ आया, ओके, चलो, तो एक तरीका ये है, ठीक है, ग्राउंड वाटर यहाँ पर इसके थ्रू भी क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होगा, स्टोर होने के साथ धीरे धीरे नीचे सिप होता चला जाएगा और उससे अगेन वो ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज होगा, उससे क्या होने वाला है, ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होने वाला है, ओके। नाउ नेक्स्ट है वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास जो है कितना वाटर नीडेड है, कितना वाटर जो है लगता है हर साल, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पानी जो है यूज किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मेजर यूजर ऑफ वाटर एट ग्लोबल लेवल, ओके, पूरे वर्ल्ड की बात करें तब भी जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पार्ट के अंदर ही यूज होता है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए उन्हें वाटर एज उनके लिए क्या है, मेन कॉम्पोनेंट, ठीक है, सन और वाटर दोनों ही मेन कॉम्पोनेंट हैं, दोनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ठीक है, दोनों यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स हैं और दोनों यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है, तो अगर किसी किसी जगह यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर वैसे तो इनके लिए क्या है, रिक्वायर है, ओके, तो सी एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजर सोर्स जो है मेजरली यूज़ किया जाता है वाटर को, ओके, परसेंटेज ऑफ वाटर यूज इन डिफरेंट पर्पजेज आर, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है ग्लोबली बात कर रहे हैं तो 70% यूज होता है, 25% इंडस्ट्रीज में यूज होता है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए 5% यूज होता है। इंडिया में अगर हम बात करें और कंट्रीज की बात छोड़ करके, ये वेरी करता रहता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर लोग बाहर से जो है अपना फूड मंगवाते हैं, ओके, बहुत सी जगह है डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ भी, तो वहाँ वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होता, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वेजिटेशन नहीं कर पाते, ठीक है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी लोग क्या करते हैं, सारा पैक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री यहाँ पर कंजप्शन जो है वेरी करता है किसका, वाटर का, एंड डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है किसका, वाटर का, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा। इंडिया के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट सेक्टर इज एज फॉलोज, इंडिया के अंदर 90% वाटर यूज होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडिया के अंदर मोस्टली जो है सब कुछ क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ओके, सब कुछ हम जो है यहाँ पर
खुद ही ग्रो करते हैं, खाते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई, बहुत सारे यहाँ पर पल्सेस हो गई, है ना, पल्सेस हो गई सारी, और हमारी जो भी वेजिटेबल हो गई, है ना, वीट हो गया, ओके, तो बहुत सारी हम जो है अलग अलग तरीके की यहाँ पर क्या करते हैं, वेजिटेशन करते हैं, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सब में क्या आता है, हमारा वाटर यूज़ आता ही आता है। तो 90% इंडिया के अंदर वाटर यूज़ हो रहा है, किसके, कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, 7% जो है बाकी का यहाँ पर इंडस्ट्रीज में, और 3% यहाँ पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम लिया जा रहा है, ठीक है, ये परसेंटेज है नीचे किसका, इंडिया का, और ये है यहाँ पर ग्लोबली, ग्लोबली जो है एग्रीकल्चर में 70% वाटर यूज़ लिया जा रहा है, और 25% इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एंड 5% डोमेस्टिक यूज़ के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर विच इज़ यूज ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया, ओके। तो सारी वेजिटेशन के लिए यहाँ पर वाटर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ओके। वाटर एक मेन कंपोनेंट, कहने का मतलब प्लांट्स के अंदर वाटर मेन कंपोनेंट है, अगर वाटर नहीं होगा तो उनके अंदर ग्रीन कलर भी नहीं रहेगा, है ना, ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से। तो यहाँ पर उसमें मेन पोर्शन रहता है किसका, वाटर का। हमारी बॉडी के अंदर भी जैसे हमने कहा 70% क्या है, वाटर है, अगर वाटर हटा दें तो बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, अगर वाटर इनटेक नहीं लेंगे आप रेगुलरली तो बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, आपको बहुत सारी फिर बीमारियां होने लग जाएगी, ओके। तो इसी तरीके से प्लांट को भी अगर आपने रेगुलरली पानी नहीं दिया तो यहाँ पर हीट से, धूप से वो क्या हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे धीरे धीरे, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू उनकी लीव से वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, और वाटर इवेपोरेट होगा तो वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डेड हो जाएंगे, ओके। तो इन आवर कंट्री अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस यहाँ पर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। एंड रेनफॉल कन्फाइंड टू शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 4 months, 3 से 4 months ही यहाँ पर क्या रहता है, रेनफॉल का सीजन रहता है, ठीक है, उसी के अंदर पानी बरसता है और उसी से ही यहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर उस टाइम यहाँ पर पानी जो है अच्छे से नहीं बरसा, यानी रेनफॉल अच्छे से नहीं हुई, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज नहीं होगा, और उस अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहा तो यहाँ पर वाटर की स्कैर्सिटी जो है बढ़ जाएगी, यानी कि ग्राउंड वाटर में जो है यहाँ पर कमी आ जाएगी, डिप्लीशन हो जाएगा, ओके। द लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री लैक द सप्लाई ऑफ सरफेस वाटर, यहाँ पर बहुत सारा पार्ट जो है हमारी कंट्री का ऐसा है जहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर की कमी है, फ्रेश वाटर की क्या है, कमी है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कभी रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा हो गई, कभी हुई नहीं, ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एरिया में अच्छी हो गई बारिश, किसी एरिया में हुई नहीं, है ना, तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कहीं पर कमी रह जाती है तो यहाँ पर स्कैर्सिटी हो गई वाटर की, कहीं पर ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर फ्लड्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर ड्राउट की सिचुएशन आ गई ऑन सम पार्ट ऑफ द कंट्री एवरी ईयर, हर साल ये कहीं ना कहीं ऐसा होता ही रहता है ड्यू टू unequal distribution of what rainfall, okay। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन आपकी कैसी है, यहाँ पर किस तरीके से जो है रेनफॉल होगा, ओके, वहाँ पर पोल्यूशन कितना है, वहाँ पर ग्रीनरी कितनी है, ठीक है, बहुत सारी फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं, मेनली यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से जो है रेनफॉल नहीं हो रहा, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो पाता, ओके। तो वाटर यहाँ पर यूज़ करते हैं बहुत बहुत सारी जो है चीज़ों के अंदर, अपन बहुत सारा पानी वेस्ट भी करते हैं, बहुत सारा पानी यहाँ पर यूज़ भी लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स जैसा कि बोला एग्रीकल्चर में यूज़ आ रहा है, ठीक है, हम बेथिंग में यूज़ लेते हैं इसे, ओके, हम यहाँ पर हमारे नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब्रशिंग में, वॉशिंग में, ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ में, और यहाँ पर बेथिंग हो गया, कुकिंग में काम लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत बहुत सारी चीज़ों में जो है हम वाटर क्या कर रहे हैं, यूज़ लेते हैं, ओके। नाउ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर डिप्लीशन हो रहा है वाटर टेबल के अंदर, ओके, अगर यहाँ पर प्रॉपरली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा, वाटर जो है करेक्टली यहाँ पर रिचार्ज नहीं हुआ,
तो वहाँ पर वाटर टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, डिप्लीशन हमें देखने को मिलेगा, स्कैसिटी देखने को मिलेगी, ड्राउट देखने को मिलेगा। ओके तो वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। मेन है यहाँ पर क्या, पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये मेन यहाँ पर क्या है, तीन फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं किसमें, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं वाटर टेबल को डायरेक्टली। कौन, पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर वाटर का यूजेस भी जो है बढ़ता जा रहा है, वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, यूजेस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन 24/7 चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं, कभी भी नहीं रुकती, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हर साल होती हैं, हर सीजन में होती हैं, ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली क्या है, चलती रहती हैं। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पर वाटर टेबल को डिप्लीट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है बट उस वजह से कुछ हमें जो है यहाँ पर नुकसान भी देखना पड़ता है। ओके स्कैंटी, ओके स्कैंटी रेनफॉल इन अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल, यानी कि वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कैर्सिटी आ जाती है, रेनफॉल में भी स्कैंटी बोलते हैं, यानी कि हुई नहीं, बारिश ही नहीं हुई, ठीक है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर क्या, स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है, बारिश हुई, थोड़ी सी हुई, कम हुई। ओके तो ये भी एक अनादर फैक्टर है, ओके, जो कि क्या करता है, वाटर टेबल को डिप्लीट कर देता है, उसे कम करता है। तो पहला फैक्टर है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है डिमांड करती है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कि भाई उन्हें जगह मिले रहने के लिए। आजकल बड़े बड़े फ्लैट्स क्यों बन रहे हैं, छोटे छोटे घर क्यों नहीं बन रहे, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, इतना लैंड ही नहीं है, ठीक है। अगर सबको जो है यहाँ पर एक 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 घर दे दें बड़ा सा, ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर जो है कैसे रहेगी, ठीक है, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी जो है यहाँ पर हाउसेस कैसे बनेंगे। तो अब यहाँ पर इसी को लेकर के, यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन को लेकर के क्या बनाया गया, फ्लैट सिस्टम बनाया गया, यानी कि भाई बिल्डिंग जो है ऊंची कर दो ताकि उसमें जो है 100-200 फैमिलीज जो हैं एक साथ रह सके। तो बड़े बड़े जो है यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली मुंबई के अंदर क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे जो है फ्लैट्स हैं, ओके, ऐसे एकदम जो है पूरी गर्दन ऊपर हो जाती है जब उन्हें देखने लगते हैं तो, ओके, और उनमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ओके, 100 यहाँ पर 200 फैमिलीज सब जो हैं एक साथ रह रही हैं, ठीक है। तो ये आजकल यही सिस्टम चल रहा है सब जगह, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है सबको चाहिए, सबको नॉर्मल घर चाहिए, सबको अपना पर्सनल घर चाहिए, ठीक है, इकट्ठे तो सब एकदम ग्राउंड में नहीं रह सकते, है ना, सबको अपना पर्सनल जो है रूम चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है कंस्ट्रक्शन मांगती है, और कंस्ट्रक्शन जैसे कि हाउसेज हो गए, शॉप्स हो गई, ओके, यहाँ पर रोड्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, ठीक है, दिस डिक्रीज द ओपन एरिया। अब इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ओपन एरिया घटता जा रहा है ना, रोड्स बन गए, हर तरफ क्या है, कंक्रीट ही कंक्रीट है, ओके, नॉर्मल सॉइल यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि पार्क्स में नॉर्मल सॉइल रहती है बट वहाँ भी कंक्रीट हो चुके हैं, ठीक है, पार्क्स बना देते हैं, मतलब नेचुरली कुछ अब बचा नहीं है, ओके, तो जहाँ से कि ओपन एरिया कुछ नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है, सब जगह रोड्स हैं और रोड साइड्स के साथ भी यहाँ पर फुटपाथ्स हैं, फुटपाथ के पास भी यहाँ पर कंक्रीट है, ठीक है। तो अगर रेनफॉल होती है तो ओपन एरिया नहीं है तो रोड्स में से कैसे जो है वाटर सेप होगा, उन्हें तो एकदम जो है पूरा कंक्रीट से पैक कर दिया गया है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर वाटर जो है सिप नहीं हो पाता, जो रेनफॉल हुई वाटर सारा यहाँ पर नालियों में जो है बह के ड्रेनेज सिस्टम सीवर्स के अंदर बह करके जो है वेस्ट वाटर के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस जगह पे उस ग्राउंड वाटर का यहाँ पर रिचार्ज होना था, ठीक है, वो रेनफॉल हुई उस वजह से वो ग्राउंड वाटर वहाँ पर रिचार्ज होना था, वो नहीं हो पाता, ठीक है, किसकी वजह से, इस कंस्ट्रक्शन की वजह से, इस कॉन्क्रीट रोड्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज इन द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स और प्लेग्राउंड यहाँ पर नहीं रहे, तो दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर, इसकी वजह से यहाँ पर रेन वाटर का सीपेज जो है नहीं हो पाता, किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, ओके।
Moreover, a huge amount of water is required for construction. और उसके उल्टा यहाँ पर construction में बहुत ज़्यादा water भी जो है use आता है, water के बिना construction नहीं होता, ठीक है, तो वो भी water जो है as a waste हुआ. Other, often the groundwater is used for purposes like some on one hand we are consuming more groundwater and on the other hand we are allowing the less water to seep into the ground. एक तरफ तो हम जो है बहुत सारा पानी यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में और दूसरी तरफ हम उसी वाटर को जो है यहाँ पर सीप होने नहीं दे रहे ग्राउंड के अंदर. तो ग्राउंड वाटर यहाँ पर रिचार्ज कैसे होगा, हमारे पास जो है सोर्स कैसे बना रहेगा वाटर का, ठीक है, वो सारा वाटर जो भी फ्रेश वाटर होता है रेनफॉल का, ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर सारा ही हमारे पास जो है वेस्टेज में बह जाता है. हम ड्रेनेज के थ्रू रिवर्स में डालते हैं और रिवर्स अल्टीमेटली उस पानी को कहाँ डाल देती हैं, ओशियंस में, जो कि किसी काम का नहीं है, ठीक है. तो हमें क्या करना है, उस वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है, हमें उस वाटर को यहाँ पर ग्राउंड वाटर में वापस से रिचार्ज करवाना है जिससे कि वहाँ पर सीपेज हो सके प्रॉपर. ओके, इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज के अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है. वाटर यूजर्स बाय ऑल द इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट एवरी टाइम, हर टाइम यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्या करती है, किसी ना किसी प्रोसेस, किसी ना किसी प्रोडक्ट बनाने के अंदर वाटर का यूज लेती ही लेती है, ठीक है. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं वाटर का जो है काम आता ही आता है, ठीक है. तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. वाटर यूज मोर ऑफन इंडस्ट्रीज इट ड्रॉज फ्रॉम द ग्राउंड. अब ये तो कहीं से जो है खरीदती नहीं है, ये वहीं पर ही डिग करती है, होल करती है और ग्राउंड वाटर को ही जो है यूज में लेती है, ठीक है. तो ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कौन, इंडस्ट्रीज, जो कि हर सेकेंड बहुत बहुत सारा पानी जो है यूज लेती है हर एक चीज बनाने में जो भी हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं, ठीक है. नाउ वाटर मैनेजमेंट, वाटर को आप किस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. वी सी दैट मोस्ट ऑफ द वाटर जो भी यहाँ पर रेनफॉल के थ्रू आ रहा है वो क्या होता है, इट जस्ट फ्लो अवे, वो यहाँ पर बह करके निकल जाता है सिंपली. ओके, नाउ दिस इज योर वेस्ट वाटर, ठीक है, जो कि एक प्रीशियस क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है. ये रेनफॉल से जो वाटर आ रहा था वो क्या है, एक प्रीशियस रिसोर्स था जिसे हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया बाय सिंपली फ्लोइंग इट अवे. ओके, तो रेन वाटर इज कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. इस रेन वाटर को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसके लिए, रिचार्ज करने के लिए, किसे, ग्राउंड वाटर को, ठीक है. सो इसे हम बोलते हैं व्हाट, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इस रेन वाटर को क्या करना, यूज करना किसके लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर हम अपनी हेल्प से, अपनी मदद से मैनुअली क्या कर रहे हैं, उसे डाल रहे हैं वापस ग्राउंड में, रिचार्ज कर रहे हैं वापस ग्राउंड को, तो उसे हम बोलते हैं व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या बुलाते हैं उसे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बुलाते हैं. ऐसे ही यहाँ पर छत पर जो है उस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि जो भी यहाँ पर आसपास आपके जो पानी गिरेगा वो तो गिरेगा ही सही, ठीक है, बट छत पर जो पानी गिरेगा उसको हम पाइप्स के जरिए उस पानी को डायरेक्टली कहाँ पहुँचाएं, नीचे ग्राउंड में पहुँचा दें, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर जो है क्या हो जाए, सिपिंग हो जाए. इस तरीके से पाइपलाइन डाली जाए एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन जिससे कि वाटर जो है डायरेक्टली क्या हो, सिप हो किसके अंदर, ग्राउंड्स के अंदर, ठीक है, ना कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर चला जाए. ओके, और उससे फिर हम यहाँ पर अंदर जो है हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी टैंक्स वगैरह बना सकते हैं अंडरग्राउंड जहाँ पर वो वाटर, फ्रेश वाटर जो है स्टोर रहे और उसे फिर हम यहाँ पर अपने डेली कामों में यूज़ ले सकते हैं. वो पानी यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम आ सकता है, ठीक है, वो पानी यहाँ पर हमारे वॉशिंग में या फिर डोमेस्टिक पर्पजेज़ के अंदर बहुत काम आ सकता है. सारा फ्रेश वाटर होता है, अच्छा होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें जो भी यहाँ पर मिट्टी वगैरह हो वो सेडिमेंट हो जाती है, बैठ जाती है और ऊपर आपको अच्छा फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, वी हैव मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज. जैसा कि आपको बताया यहाँ पर क्या बनाते थे, पहले बावरीज बनाते थे जिसके अंदर वाटर क्या करते थे, कलेक्ट करते थे,
ठीक है, जिसे फिर वो यहाँ पर फर्दर जो है समर्स के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के अंदर यूज रहते थे। बट अब जो है इन्हें यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो चुकी है, इन्हें हम जो है यहाँ पर बस गार्बेज भरने के लिए, ठीक है, गंदगी करने के लिए यूज़ लेते हैं, है ना। सब लोग इनके अंदर क्या करते हैं, इनको एक कूड़ादान समझ करके इसमें जो है सब कुछ कचरा डाल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्हें क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज द एक्यूट वाटर शॉर्टेज पीपल यूज दिस एरिया हैव हैड टू रीथिंक, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वाटर स्टोरेज के लिए एक तरीके से टैंक हमारे लिए एरिया बनाए गए थे। बावरीज आर बींग रिवाइव्ड टूडे, द सिचुएशन इज दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैनिटी रेनफॉल द प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर नीड वेल, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर स्कैनिटी की वजह से, रेनफॉल स्कैनिटी की वजह से यहाँ पर क्या करने लगे हैं लोग बाग, मैनेज करने लगे हैं अपनी वाटर की नीड्स को, ओके। द फार्मर्स यूजिंग द फील्ड, ओके, यहाँ पर वाटर को, वाटर इन द फील्ड, द फार्मर यूजिंग द वाटर इन द फील्ड इकोनॉमिकल, ओके, यहाँ पर वो ड्रिप इरीगेशन मेथड का यूज करने लगे हैं। यहाँ पर एक ट्यूबिंग की हेल्प से पानी को पहुँचाया जाता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, एक कनेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू यहाँ पर ड्रिप बाय ड्रिप जो है पानी ड्रॉप होता रहता है और वो डायरेक्टली जाता है किसमें, रूट्स में, रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिससे कि प्लांट को जो है सफिशियंट अमाउंट में वाटर मिलता है, वो मरता नहीं है, ठीक है। एकदम से फार्मर्स क्या करते हैं, सारा पानी एक साथ पिला देते हैं, है ना, बहुत सारा पानी यहाँ पर छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है, बहता रहता है और एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर प्लांट्स को जो है दे दिया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी भी उनके लिए ख़राब है। भाई आपको पूरा पानी दिन का एक साथ पिला दे, अब आप कैमल तो है नहीं जो कि 7 दिन का पानी एक साथ पी लेंगे, नहीं पी सकते, है ना। आपने एक गिलास अभी पिया, फिर 2 घंटे बाद एक गिलास और पी लिया, फिर 2 घंटे बाद एक गिलास और पी लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर दिन में जो है इस तरीके से वाटर कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से प्लांट को रिक्वायर्ड, हम क्या करते हैं यहाँ पर, उन्हें जो है एक बार पानी दे दिया, पूरा भर दिया, अच्छे से नहला दिया, भर दिया टैंक, है ना, यहाँ पर पूरा पानी पानी हो गया, डूब गए वो पानी में, ठीक है। फिर 7-8, 20-25 दिन तक उन्हें कुछ पानी देते ही, ठीक है, तो वो तरीका सही नहीं है। अब यहाँ पर फार्मर जो है इकोनॉमिकली यूज़ करने लगे हैं, ये यहाँ पर सस्ता भी पड़ता है और बहुत अच्छा भी है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ड्रिप इरीगेशन में ड्रॉप बाई ड्रॉप उन्हें जो है वाटर मिलता रहता है, ठीक है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो अपने हिसाब से जो है वाटर कंज्यूम करते रहते हैं और खींच लेते हैं, है ना, ड्रिप बाय ड्रिप यहाँ पर सॉइल में गिरता रहता है पानी, सॉइल यहाँ पर गीली हो जाती है ना, मॉइस्चर हो जाती है और वो मॉइस्चर से ये प्लांट जो है वाटर कंज्यूम कर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है, क्या करने का, वाटर यूज़ करने का, ठीक है। फार्मर्स आजकल ये यूज़ करने लगे हैं, गवर्नमेंट भी जो है इसको यहाँ पर बढ़ावा दे रही है और मोटिवेट कर रही है फार्मर्स को कि वो ड्रिप इरीगेशन और फुवारा मेथड, है ना, फुवारे से जो है यहाँ पर पानी निकले वो मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। प्लांट नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को जो है वाटर यहाँ पर अपने न्यूट्रिएंट के लिए ज़रूरी होता है। अब क्या आता है यहाँ पर टॉपिक, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैसिटी, अगर पानी की स्कैसिटी हो जाए, पानी ना रहे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओके, तो वाटर यहाँ पर जो है बहुत असेंशियल है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर प्रिपेयरिंग द फूड, ओके। जस्ट इमेजिन द consequences इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, अगर प्लांट के लिए वाटर अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है, इस प्लानट पे यहाँ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट ही हमारा जो है सोर्स है किसका, फूड का, ऑक्सीजन का, ठीक है, और रेनफॉल का भी, ठीक है, रेनफॉल भी यहाँ पर प्लांट्स की वजह से ही आती है, ग्रीनरीज की वजह से भी आती है। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहेगी, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फूड भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिला तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक होने वाला है, हमारे पास इन्यूमरेबल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वाटर को जो है करेक्टली यूज़ करना है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है, वाटर का मैनेजमेंट जो है अच्छा करना है। अब आता है अगला टॉपिक, दैट वाटर एज ए सॉल्वेंट कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे इसके यूजेस हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन सॉल्वेंट, ओके, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी जो है वाटर को बोला जाता है, सॉल्यूशन मेड विद वाटर
उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ योर कॉपर सल्फेट। इसके पीछे यहाँ पर क्या लगाते हैं, ए क्यू लगाया है। ये ए क्यू का मतलब क्या है, द ए क्यू स्टैंड फॉर एक्वस। ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस, यानी कुछ भी चीज आपने जो है वाटर के अंदर मिलाई, ओके, उसका सॉल्यूशन बनाया, तो वो क्या होगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर सब्सटेंसेस। वाटर जो है इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर इट ट्रेवल्स, वाटर कैरीज द केमिकल मिनरल और न्यूट्रेंट विद इट। जब भी वाटर मूव करता है तो वो यहाँ पर क्या ले जाता है, सारे केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ओके, यहाँ पर मिनरल्स सब अपने साथ जो है फ्लो बहा के ले जाता है। गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो है बहुत सारी क्या है, गैसेस जो हैं डिजॉल्व रहती हैं। ठीक है, गैसेज एज वेल एज सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर। गैसेज भी डिजॉल्व रहती हैं, साथ के साथ सॉलिड्स भी डिजॉल्व रहते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। नेचुरल वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेज, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन उसके अंदर रहती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है किसके अंदर, नेचुरल वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड मेन सोर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। वाटर के अंदर ऑक्सीजन रहती है, इसी वजह से तो एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर क्या है, जिंदा है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स पानी में भी जो है सांस ले पाते हैं, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं, यानी सर्वाइव कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस फूड वाया फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो भी वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है, इट इज़ यूटिलाइज टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, उसे यूटिलाइज किया जाता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए वाया पेट्रोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, नाउ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन वाटर, इट कन्वर्ट इन टू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। This is acted upon by the bacteria in seawater, which act as a mode of nutrition for water plant. यहाँ पर नाइट्रोजन जो डिजॉल्व है किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो एज अ न्यूट्रिएंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है किसको, वाटर प्लांट को, ओके, एक्वेटिक प्लांट्स को। उससे उनको यहाँ पर नरिशमेंट मिलता है, उन बैक्टीरिया से वो क्या करते हैं यहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं बेसिकली। ठीक है, गैसेस कैन बी मेड टू डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, डिजॉल्व बेटर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। गैसेस जो हैं बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, ये बबल्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी ना किसी तरीके की गैस है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकती है। ठीक है, तो गैसेस अच्छे से डिजॉल्व हो सकती है वाटर के अंदर अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिज ड्रिंक्स होती है, फिज ड्रिंक्स आपने पी होगी कभी, कोई कोल्ड ड्रिंक पी होगी। ठीक है, यहाँ पर उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर वंस द प्रेशर इज रिलीज द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर क्या होती है, इट कम्स आउट। ओके, इट कम्स आउट जैसे ही आप यहाँ पर उसका कैप जो है ओपन करते हैं, तो कम्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। ओके, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, सब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, कोको कोला, ओके, थम्सअप, कुछ भी आप हिला करके उसे खोलते हैं तो एकदम निकलती है वो, तो वो क्या करती है, वो गैस प्रेशर अप्लाई करती है कोल्ड ड्रिंक को जो है, जैसे आपने वहाँ पर कैप खोला पूरी कोल्ड ड्रिंक जो है बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहती है किसके अंदर, वेरियस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सभी कोल्ड ड्रिंक्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है मेनली। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ योर वाटर एज अ प्रीशियस रिसोर्स, कुछ कुछ हमने जो है यहाँ पर डिस्कस की। So I hope you like the video, okay, please like it, share it, subscribe it and press the bell icon also to get the timely notification. इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक है, बाय।